على أحد الطرق السريعة دون الجلوس على مقعد السائق، معرضا سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات. السلام عليكم. तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं सऊदी अरब से रिलेटिव। वीडियो को अंत तक देखना जिससे पूरी जानकारी मिले। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक अपडेट आई है कि जो लोग सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है। जैसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर आते थे तो एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम होती थी, सामान ले जाने के लिए ज़्यादा चार्ज लगता है अगर सामान लेकर आते हैं। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, अगर आप सामान लेकर आते हैं, अगर आपका सामान 10 किलो है या 5 किलो एक्स्ट्रा है, 1 किलो पर 10 रियाल का चार्ज लगेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 5 किलो पर 50 रियाल, 10 किलो पर 100 रियाल। तो एयर इंडिया की तरफ से ये ट्वीट कर बताया गया है। जो सऊदी अरब एयरपोर्ट से यानी कि दम्माम या रियाद से आ रहा है तो उन लोगों के लिए ये छूट है। तो एक अपडेट और है, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक कार चल रही थी, उसमें ड्राइवर बैठा ही नहीं था, फिर भी कार चल रही थी। तो किस तरीके से चला रहा था ये पता नहीं, लेकिन वो कार चल रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बंदा बैठा हुआ है बराबर में, लेकिन जो कार ड्राइवर की सीट होती है उस पर कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन कार चल रही है। तो इस बंदे पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है और इसके खिलाफ़ कार्रवाई चल रही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं इसी तरीके की वीडियो सऊदी अरब से रिलेटिव लेकर आता रहता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।